बिहार में लोकसभा की एक और विधानसभा की दो सीटों के लिए 11 मार्च को होने वाले उपचुनाव बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए पहली चुनावी परीक्षा होगी। जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अगले आम चुनाव से पहले अपनी पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल दिया है। चुनावी जानकारों की माने तो इनमें से दो सीटें अररिया संसदीय सीट और जहानाबाद विधानसभा सीट खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां आरजेडी तथा कथित मुस्लिम यादव एमवाई गठित मजबूत है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के मतदाताओं के प्रारंभिक रूप से साथ आने से उनके उम्मीदवारों को लाभ मिल सकता है। दोनों सीटें आरजेडी के खाते में थी और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन 2014 में अररिया से लोकसभा चुनाव जीतने वाले नेता और जहानाबाद के विधायक मुंद्रिका यादव के निधन से उपचुनाव की जरूरत पड़ी। 2014 में बीजेपी से दूरी बनाने के बाद जेडीयू ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था और मोदी लहर होने के बावजूद तस्लीमुद्दीन चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उन्हें 41% वोट मिले थे और बीजेपी और जेडीयू का मत प्रतिशत जोड़ा जाए तो 50% था। अररिया लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता कुल मतदाताओं के 41% से ज्यादा हैं और जेडीयू के अपने पाले में आने के बाद बीजेपी हिंदू मतों के लामबंद होने की उम्मीद कर रखी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो सांठगांठ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परीक्षा होनी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को ये याद दिलाना भूल रहे हैं कि तुम याद रखना कि अगर तुम हारे तो क्या होगा। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest update.